हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं हाथवे केबल लिमिटेड की, क्योंकि इससे संबंधित जो क्यू टू का रिजल्ट जारी होना था 17 अक्टूबर को, वो फिलहाल जारी कर दिया गया है। और चूंकि आप जानते हैं इस शेयर में रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक यानी मुकेश अम्बानी जी का लगभग 70 से 75% जो है शेयर होल्डिंग है, तो इसमें एक तरीके से कहा जाए तो इसका जो बेस है वो बहुत ही मजबूत है। अब हम इस रिजल्ट को देखने वाले हैं इस वीडियो में और जानने वाले हैं कि का रिजल्ट आया है उसमें ये इस कंपनी ने क्या क्या परफॉर्मेंस दिखाया है, इसका प्रॉफिट कितना रहा है, इसका लॉस कितना रहा है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसकी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका क्या इसमें भागीदारी रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो हाथवे केबल है, इसमें इन्होंने लगभग 17 तारीख को अपना जो है Q2 का रिजल्ट जारी कर दिया है और इसी दिन जो मीटिंग हुई थी उसमें ये जारी किया गया है। और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट को, क्योंकि कॉन्सोलिडेटेड जो रिजल्ट होता है उसमें इससे संबंधित जितनी सब्सिडरी कंपनियाँ हैं उनसे संबंधित सारा डेटा उसमें शामिल किया जाता है। साथ ही साथ जो स्टैंड एलोन जो डेटा ये जारी करते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है और उसके बाद जो है कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट निकाल के दिया जाता है। तो हम फिलहाल कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट को ही देखने वाले हैं और उसके बारे में ही पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जो फिलहाल ये डेटा देख रहे हैं ये जो है कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट है और इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और इस वीडियो में जो ये आप सेगमेंट देख रहे हैं, ये फिलहाल सेगमेंट जो दिखाई दे रहा है वो इस क्वार्टर का है, यानी सितंबर क्वार्टर का सेगमेंट दिखाई दे रहा है और उससे संबंधित सारे डेटा इसमें दिए गए हैं। और ये जून क्वार्टर का सेगमेंट है, उससे संबंधित इसमें डेटा दर्शाए गए हैं। और ये पिछले साल सितंबर क्वार्टर का है ये सेगमेंट, जिसमें ये सारे के सारे डेटा दर्शाए गए हैं। और इसमें जो भी ये डेटा दर्शाए गए हैं ये सारे के सारे करोड़ में दर्शाए गए हैं। तो हम इस जो भी डेटा इसमें पढ़ेंगे सारे के सारे करोड़ में पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो होता है जो कि इसका मेन बिजनेस होता है जिसे ये कंपनी कमाती है। तो इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 484 करोड़ का इनको टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है। और ये जो पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो जून 2023 में इसमें 500 करोड़ का टोटल इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त हुआ था। तो इस हिसाब से आप देखिए कि क्वार्टर और क्वार्टर में इसमें मामूली सी कमी दिखाई दे रही है। और वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें, सितंबर 2022 की तुलना करें सितंबर 2023 से, तो इसमें 473 करोड़ का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ था। इस हिसाब से आप देखिए इसमें मामूली सी जो है वृद्धि दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें टोटल इनकम की, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो टोटल इनकम है सितंबर 2023 में वो 516 करोड़ का है, जो कि सेम क्वार्टर यानी सितंबर 2022 में ये 501 करोड़ का रहा था। इस हिसाब से आप ईयर ऑन ईयर में इसके टोटल इनकम में वृद्धि होता हुआ देख रहे हैं, जबकि क्वार्टर क्वार्टर की बात करें तो इसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है और 533 करोड़ से घट के ये 516 करोड़ का इसका टोटल इनकम आ गया है। वहीं अगर हम अब बात करें टोटल इसके एक्सपेंस की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो टोटल एक्सपेंस रहा सितंबर 2023 में 494 करोड़ रहा है। वहीं अगर पिछले सेम क्वार्टर की बात करें तो सितंबर 2022 में इसका जो टोटल एक्सपेंस रहा था 480 करोड़ के आसपास रहा था। तो इसके जहाँ ईयर ऑन ईयर इसके टोटल एक्सपेंस में वृद्धि हो रही है, वहीं आगे आने वाले समय में आपको ईयर ऑन ईयर इसके जो इनकम प्राप्त होगा उसमें कमी होती हुई दिखाई देगी, जो प्रॉफिट प्राप्त होगा उसमें कमी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसका टोटल एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम जून क्वार्टर की बात करें तो जून क्वार्टर में आप यहां पर देख रहे हैं इसके टोटल जो एक्सपेंस है उसमें कमी दिखाई दे रही है और 513 करोड़ से घट के ये 494 करोड़ का हो गया है। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर में मामूली सी वृद्धि दिखाई दे रही है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में मामूली सी कमी दिखाई दे रहा है इसके टोटल एक्सपेंस में। बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इसका जो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा सितंबर 2023 में वो लगभग 34 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि सेम क्वार्टर यानी सितंबर 2022 में इसका जो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था वो 38 करोड़ रहा था। इस हिसाब से आप देखिए कि ईयर ऑन ईयर के इसके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें कमी दिखाई दे रही है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर की बात करें तो ये 31 करोड़ से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्वार्टर क्वार्टर के बेस पे, और 31 है ये 33 से 34 करोड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, जो कि इसका ओरिजिनल प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि इसमें से जो टैक्स के साथ साथ जो अदर एक्सेप्शनल आइटम्स से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, टूट फूट हुई होती हैं, सबको निकालने के बाद जो ओरिजिनल प्रॉफिट बचता है उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो नेट प्रॉफिट रहा है ये सितंबर 2023 में जहाँ 20 करोड़ के आसपास रहा है, वहीं सेम क्वार्टर यानी सितंबर 2022 में अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 30 करोड़ का था। तो इस हिसाब से आप देखिए ईयर ऑन ईयर इसके नेट प्रॉफिट में कमी दिखाई दे रही है, जबकि अगर
क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो उसमें भी कमी दिखाई दे रही है और ये 22 करोड़ से घट के 20 करोड़ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो इसका अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं कि सितंबर 2023 में जहां 0.11 के आसपास था, वहीं सितंबर 2022 में 0.17 के आसपास था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो ईयर ऑन ईयर इसका जो अर्निंग पर शेयर है उसे वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसका अर्निंग पर शेयर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो इसका जो क्यूटू का रिजल्ट आया है फिलहाल, मतलब जितना सोचा गया था उतना तो ये नहीं आया है, ना ही ये ओके ओके इसको कह सकते हैं, ना ही बहुत बढ़िया कहा जा सकता है और ना ही इसको बहुत ही ख़राब कहा जा सकता है, क्योंकि फिलहाल ये जो कंपनी है अभी भी पॉजिटिव में है, निगेटिव में कोई भी अभी अर्थात ये घाटा नहीं दिखा दे रही है, बल्कि प्रॉफिट में आती हुई कंपनी है। हालांकि इसने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ये जो है ईयर ऑन ईयर तो वृद्धि करी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इसमें कमी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसके नेट प्रॉफिट में न केवल क्वार्टर क्वार्टर कमी दिखाई दे रही है, बल्कि ईयर ऑन ईयर भी कमी होती हुई दिखाई दे रही है। अब आने वाला ये समय बताएगा कि ये जो कंपनी है अपने आप को कैसे मैनेज करती है और कैसे ही अपने आप को स्थापित करती है। अब हम चलते हैं ये भी देख लेते हैं कि किस कौन सी सब्सिडरी कंपनियां हैं जो इनके तहत काम करती हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे आगे कि आज जो है इस पे इस रिजल्ट का जो बाज़ार पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं इसका जो मेन जो कंपनी है वो है हाथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड, जिसकी हम अभी फिलहाल जिसके रिजल्ट को देख रहे हैं। अगर हम इसके सब्सिडरीज कंपनी की बात करें तो उसमें जो हाथवे भवानी केबल डाटाकॉम लिमिटेड है, हाथवे डिजिटल है, नासिक केबल है, कोकन क्रिस्टल केबल है, जो चैनल इंडिया नेटवर्क है, साथ ही साथ अगर हम बात करें चेन्नई केबल है, जो इलीट केबल है, हाथवे मंत्रा केबल है, हाथवे भास्कर है और हाथवे डिजिटल लिमिटेड भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी सब्सिडरी में लगभग 9 सब्सिडरी शामिल हैं और लगभग 9 से 10 कंपनियाँ ऐसी हैं जिनके साथ ये जो है ज्वाइंट वेंचर करके बैठे हैं। तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि इसका जो बेस है कितना बड़ा है, और यही कारण है कि फिलहाल जब से ये कंपनी रिलायंस खरीदी है तब से फिलहाल ये कंपनी ये एक तरीके से कहा जाए प्रॉफिट तो उस हिसाब से नहीं दिखा रही है जिस हिसाब से दिखानी चाहिए, लेकिन आने वाले समय में जिस हिसाब से टेलीकम्युनिकेशन का व्यापार बढ़ रहा है और जियो जिस हिसाब से आता जा रहा है उस हिसाब से आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये भी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ होते हुए दिखेगी और ये कंपनी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है। तो चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा सा इसका जो यूट्यूब का रिजल्ट आया है उसका क्या प्रभाव बाजार पर पड़ा है उसको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो आज का बाजार का सेंटिमेंट रहा है, निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देखी गई है जिसके बाद इसमें भी गिरावट देखी गई है, लेकिन सबसे जो बड़ा कारण है इसका जो Q2 का रिजल्ट आया है उसमें जो है जिस हिसाब से सोचा गया था उस हिसाब से रिजल्ट न आने के कारण और क्वार्टर क्वार्टर के साथ साथ ईयर ऑन ईयर में अच्छा रिजल्ट न देने के कारण इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 1.5% की इसमें गिरावट देखी जा रही है और ये फिलहाल 19.70 रुपये पे बंद हुई है। वहीं अगर हम बात करें अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो फिलहाल डेटा आपको दिखाई दे रहा है ये 18 अक्टूबर का है और लगभग 4 बजे के आसपास ये अपडेट हुआ है। अगर हम इसके क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें तो ये जो टोटल क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई है फिलहाल BSE की वेबसाइट पर, इसमें लगभग 9.5 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और जिसमें से 2,15,000 शेयर जो है डिलीवरी के रूप में उठा लिए गए हैं। इस हिसाब से आप देख रहे हैं लगभग 23% ही इसमें टोटल डिलीवरी के रूप में उठाया गया है। तो इस हिसाब से देखिए कि इसमें इतना लगभग 10 लाख शेयरों की ट्रेडिंग होने के बावजूद भी मात्र और मात्र 23% डिलीवरी उठाई जा रही है। इस हिसाब से इसमें इन्वेस्टरों का रुझान Q2 रिजल्ट आने के बाद कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो कंपनी है बहुत दिनों से जो है इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस तो नहीं दिखा पा रही है जिस हिसाब से दिखानी चाहिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये कैसे परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि इसमें जो 75% हिस्सेदारी है वो फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्री के पास है, अर्थात उसमें जो उनकी कई सब्सिडरी कंपनियां हैं जैसे जियो है और उसके अलावा भी जो कई सब्सिडरी कंपनियां हैं उनके पास है। तो अब देखना ये बहुत ही आगे दिलचस्प होगा कि कैसे ये परफॉर्मेंस करते हैं और क्या प्लानिंग करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।